ओके, तो ये मेरे पास पिछले बार जैसा दिखने वाला एक और, ये वो नहीं है जो पिछले बार आप देखे थे, ये दूसरा है। इसमें सारा कुछ इसका पार्ट पुर्जा लगा हुआ है। अभी देखते हैं हम लोग, ये जलता नहीं है। आगे कर लो, पीछे कर लो, ठीक है। और इधर में है इसका चार्जिंग वाला, ये देखते हैं। इधर से लगाते हैं और ये चार्जिंग में रहने पे जलता है, बट यहाँ से ऑफ कर देने पे अब नहीं जल रहा। तो यही इसका प्रॉब्लम है, निकाल देने के बाद भी नहीं जल रहा है। तो मैं पूरा गारंटी लेके कह सकता हूँ इसका बैटरी तो ख़राब हो चुका है। अब देखते हैं बैटरी बदल के, और बैटरी मैं कोई ख़ास नहीं बदलूँगा। ये हमारे पास पहले से जो मोबाइल के पुराने बैटरी है, जो मोबाइल का ख़राब हो चुका है उसका बैटरी इसमें यूज़ करेंगे। एक ये देखे आपने, और एक ये है, ये भी मोबाइल का पुराना बैटरी है, ये भी मोबाइल का पुराना बैटरी है, और कहाँ गया एक, हाँ ये मिल गया, एक ये बैटरी है। तो एक तो आप देख ही रहे हैं कि इससे मैं बल्ब अभी जला रहा हूँ, ठीक है। एक ये है, एक ये है, ये सब मैंने पुराने मोबाइल में से रिकवर किया हूँ। जो मोबाइल अब नहीं चलता है या कुछ और प्रॉब्लम है, उन सब में से यही सब बैटरी से मैं इसको लगा करके काम करने वाला हूँ। ओके, बाहर। ओके, यहाँ इसका कैपेसिटर भी फूल चुका है, यानी अंदर का पूरा सिस्टम हिल चुका है। तो पहले मैं इसके बैटरी के वायर को कट करके अलग कर देता हूँ। एक कटा, दूसरा भी कटा। बैटरी हो गया अलग। अभी ये बच गया स्विच का। ओके, इसका माइनस वाला वायर कहाँ गया? माइनस वाला वायर आएगा तब ना जलेगा। माइनस वाला वायर लाने के लिए इसको तो खोलना ही पड़ेगा। यहाँ है, इधर में है माइनस वाला वायर। चेक किया जाए, वाह भाई वाह, इससे तो जल रहा है। आज सर भी बैटरी को चेक कर लेंगे, इससे भी जल रहा है, क्या बात है। सारा बैटरी काम का है, देख रहे हो ना भाई। चलो इधर डालो ब्लैक, ओ सॉरी इधर डालो रेड। हमारे और आपके नज़र में बैटरियां खराब था,
इसमें तो चार्ज नहीं बचा लग रहा है, कुछ चार्ज करना पड़ेगा। तो इसको और इसको सोल्डिंग कर देता हूँ और इन तीनों को, तीनों तो आ ही जाएंगे एक साथ। ओके, कहाँ गया स्क्रू ड्राइवर से इसको निकालो। इसमें दिख रहा है, पता नहीं इस बैटरी को कुछ ना कुछ हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं, बट वो मेरा ये चार्जिंग किट बता देगा कि इसको क्या हुआ, ये सही है या नहीं, ये अब आगे आ पाएगा या नहीं। इस पे देखो, इस पे अच्छे से दिख रहा है, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। कोई भी बैटरी जो 3 वोल्ट तक का है, 3 वोल्ट 4 वोल्ट तक को एकदम अच्छे से उसको फुल चार्ज कर देता है और चार्ज होने के बाद बता भी देता है कि बैटरी चार्ज हो गया या नहीं। अभी सारा वायर तो जुड़ चुका है, वैसे रेड वाला जोड़ना बाकी है। लाइट काफ़ी अच्छी कर रही है। मज़े की बात ये है कि मैंने फ़िलहाल इसमें बस दिमाग लगाया है और सारे स्क्रैप से बना है, इसमें कुछ भी खरीदना नहीं पड़ा। अभी एक वायर और जोड़ना बाकी है, उसको जोड़ने के बाद टेस्टिंग करते हैं। ओके अभी ओके, तो मॉड्यूल में अब फोल्डिंग करेंगे। गया मेरा। ओके, मॉड्यूल में थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट लगा देते। चलो एक वायर तो हो गया सोल्ड, दूसरा वायर का अरेंजमेंट करते हैं। वायर कटर से ये कटा वायर, इसको किया कुछ इस तरह से ट्विस्ट, फिर इसको यहाँ पे किया डिप, थोड़ा सा ऐड किया इसमें रंगा, चलो अब बारी आई इसको ही इसके अंदर डालने की। इतना अच्छा सोल्डिंग हुआ है इस वायर पे लोड भी दे सकते हैं। अभी इसको ऐसा करते हैं, इधर से भी कट करना पड़ेगा ना, इतना वायर सफिशियंट है। ठीक है, इधर से कट करो, इधर से कट करो, ट्विस्ट करो। देखो भाई, ऐसा नहीं समझ लेना कि मेरे को बस इलेक्ट्रॉनिक्स ही आती है, मेरे को टेक्निकल चीज़ें पसंद है, चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन इलेक्ट्रिकल में भी मैं दिमाग लगाता हूँ, मेरा इंटरेस्ट का फील्ड है, इसलिए मैं काम करता हूँ और चीज़ों को बेकार नहीं होने दिया जा सकता। ठीक है, अभी यहाँ पे काले वाले में सोल्डिंग का काम खत्म, अब रह गया इन सबको सेट करना। यहाँ पे मैं इसको प्रोटेक्शन के लिए इस वायर का कवर निकाल करके इसमें लगा दिया हूँ और ये अच्छे से लग भी गया है। अभी दूसरे वाले में भी लगाना है, इसमें भी लगा दे रहा हूँ। ओके, ये गया इधर, और जो मैंने आज डेटा केबल बनाया है उसको लगाओ, ये गया अंदर। ठीक है,
और ये गया इधर। ये जो ये एलईडी ग्लो कर रहा है इसका मतलब ये चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। और इसको मैं इधर ही डाल देता हूँ, इसका ढक्कन लगा। चलो ढक्कन भी ऑलमोस्ट, अच्छा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। फटाक फटाक इसका ये कर, मतलब कम से कम 10,000 mAh का ये हो गया है। इसका मैं चेक करूँगा कि ये कभी भी खराब होगा इसको हम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा कुछ अपने दिमाग का लगा हुआ है। ये इस तरह से बत्ती जल रहा है, मतलब ये चार्ज ले रहा है। अभी इसको टेस्ट करते हैं। क्या बात है भाई, काम तो खतरनाक कर रहा है। अभी थोड़ा सा इसको साफ सफाई कर लेता हूँ। ओके, तो काम ऑलमोस्ट हो गया है। एक बार फिर से टेस्टिंग, क्या बात है। चलो, तो आप मेरा मेहनत रंग लाया वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आप भी अगर अपने घर में कबाड़ को यूज में लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का दिमाग लगाएं।